Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, good morning. आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काजमी। जी हाँ, वर्ल्ड 11 के पहले मैच में शाहीनों ने भरी ऊंची उड़ान, गेम सजा और ऐसा सजा के खुशियों का समा बन गया। गुज़िश्ता कल और आज का पाकिस्तान अखबारात की शह सुर्खियों में वर्ल्ड 11 की टीम को शुक्रिया करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जीत ने खेल का मजा दुबाला कर दिया। हिम्मत, हौसला, जज्बा न सिर्फ पाकिस्तानियों में नजर आया बल्कि गैर मुल्की प्लेयर्स भी बहुत पुरजोश नजर आए। वर्ल्ड 11 का कजाफी स्टेडियम में शानदार इस्तकबाल किया गया। पुरअमन और मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानियों की एक मरतबा फिर झलक नजर आई। बिल्कुल सबा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जहां हमारी टीम ने कल का मैच जीता है उसी तरह वर्ल्ड 11 टीम ने जो है वो पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। क्या ही जबरदस्त कल मैच देखने में मिला। खास तौर पर अगर मैं क्रेडिट देना चाहूँ तो मैं बाबर आजम को क्रेडिट देना चाहूंगी, जिनके आते ही हमने देखा कि छक्कों चौकों की बारिश शुरू हो गई। और अब मैं बिल्कुल ये बात कह सकती हूँ कि जब आपका होम ग्राउंड हो, होम क्राउड हो, तो इसका असर शाहीनों की परवास पर डेफिनेटली पड़ता है। जैसे कि मैं कल कह रही थी कि हमारे लिए तो जनाब ये एक ईद का समा है, तो इस मेले को सजाने के लिए और हमारी ईद की खुशियों को खास तौर दुबाला करने के लिए हम अपनी टीम को ना सिर्फ मुबारकबाद देंगे, ना सिर्फ पाकिस्तानी को मुबारकबाद देंगे बल्कि अपनी टीम का और वर्ल्ड 11 का शुक्रिया भी अदा करेंगे। वर्ल्ड 11 पे तो शो में हम बात करेंगे ही, मगर आज एक रिपोर्ट का भी जिक्र करेंगे जिसके मुताबिक कराची की 70% आबादी है जिसके पास पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं है। साथ साथ पनामा केस और दीगर केसेस के हवाले से उनकी हियरिंग्स के हवाले से बात होगी और पाकिस्तान में थिएटर का क्या मुस्तकबिल है इस बारे में राय जानेंगे पाकिस्तानी सेलिब्रिटी। बिल्कुल जनाब, लेकिन खासकर आज बात होगी आजादी कप सीरीज के हवाले से ही कि टीम ने कल तो परफॉर्मेंस खूब दी है लेकिन क्या अपनी इस जीत को बरकरार रख पाएगी हमारी टीम, क्या ये सीरीज पाकिस्तान जीत पाएगा, इस सब पर आज के शो में बात होगी। बहुत से तजिए तबसरे शामिल करें, ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। जनाब, सबसे पहले एक्सप्रेस उजामा जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। पनामा केस अपीलों के हवाले से जो कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है, चले जनाब उससे भी पहले हम बढ़ेंगे इस्लामाबाद की जाने जहां पर शेख रशीद जो है वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब ने बयान दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर हम उदैबिया पेपर मिल का केस खोलेंगे। असल इनकी जान अब जाती है उदैबिया पेपर मिल से क्योंकि उसमें सारा ख़ानदान, दोनों भाई और दोनों भाइयों की औलाद मुलव्वस है। और आज मैं इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूंगा, जिस तरह पनामा का ताबूत निकला था इसी तरह मुझे उम्मीद है इसी हफ्ते 10 दिन में नैब को फैसला करना होगा। अगर नैब फैसला नहीं करता कि टाइम बार को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आने का, तो फिर उस पर सीधी सीधी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और आज मैं इंशाल्लाह मौका मिला तो जजिस हजरात से ये इस्तदा करूँगा कि ये नैब से पूछें कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी बयान देने के बाद पैरा नहीं दे सकते तो फिर इस मुल्क में क्या बनेगा। और ये शुक्र है खुदा का कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है उनके 5 जजेस इन सारे मसलों में हक और कानून और इंसाफ का आलम बुलंद किए बैठे हैं। मैं कौम को इंशाल्लाह खुशखबरी देता हूं, अवामी मुस्लिम लीग अकेली है उदैबिया पेपर मिल के केस में। इस दफ़ा हमारे साथ और कोई लोग शामिल नहीं हुए लेकिन इंशाल्लाह उदैबिया पेपर का भी केस लगेगा और अवामी मुस्लिम लीग ये केस जीतेगी। और इसी सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह अगर नैब ना आई तो उन पे हद के इज्जत का केस चलेगा। हमारी पार्टी जितनी छोटी है हमने बहुत पहले करा लिए थे, हमारा तो कागज़ सबसे पहले, ऑडिट भी ठीक है, कागज़ भी ठीक है, इलेक्शन भी ठीक है, जिनका बड़ा मसला है वो हल करें। वो एक स्टोर से 2 पाउंड का सिगार रखने के लिए लफाफा लिया था, अगर हमारा लफाफा भी परस नजर आ रहा है तो आपका शुक्रिया है।
शेख रशीद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें केसेस के हवाले से उनका कहना था कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है वो लगेगा और वो जीतेंगे, और साथ साथ आखिर में जो है उन्होंने बड़ा एक मजाहिया सा और तंजिया सा जुमला भी कहा कि अगर हमारा लिफाफा भी आपको पर्स नजर आ रहा है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। तो इस तरह के चुटकले जो हैं शेख रशीद छोड़ते ही रहते हैं, और डेफिनेटली उनकी बातें इतनी मजेदार होती हैं कि तमाम सियासतदान बल्कि तमाम ही लोग उनकी इन बातों को, चटपटी बातों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा, आप एक्सप्रेस की लीड, एक्सप्रेस की मेन खबर जो है वो सबसे पहले यहाँ पर शेयर करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पनामा केस के हवाले से जो वजीर आजम साहब, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, और उनके बच्चों ने जो है वो अपीलें दायर की थी। उस हवाले से यहाँ पर खबर मेंशन है कि नवाज शरीफ फैमिली की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। 5 रुकनी बेंच जो है वो आज समाअत कर गए। इससे पहले भी एतराजात उठाए जा रहे थे कि जनाब 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत ना करे, जिसके बाद फैसला किया गया है कि 5 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। तो बिल आखिर आज इस केस की समाअत होगी। वेल, अब देखना यह है कि क्या इस फैसले से या क्या नजरसानी से जो है वजीर आजम की नाहली खत्म हो सकती है, या कोई फैसला तब्दील हो सकता है जिसकी अभी तक कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही। तो लेट्स सी आज के फैसले में क्या होगा। ठीक है, अच्छा, इसी के फैसले के हवाले से यहाँ पर जंग ने अपनी मेन लीड बनाई हुई है इसी खबर को, और सुप्रीम कोर्ट इमरान से सख्त सवालात, आपकी कोई दस्तावेजी दूसरी से नहीं मिलती, यानी कि बहुत ज्यादा तजाद है इनकी दस्तावेज में। तो इस हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगाई हुई है नाहली केस के हवाले से। और एक और जो खबर है वो ये है कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि दहशत गर्दों की क्यादत अफगानिस्तान में छुपी है, हमने दहशत गर्दी के खिलाफ अपने हिस्से से बढ़कर काम किया। बिल्कुल जनाब, आगे बढ़ते हैं और एक्सप्रेस रोजनामा की एक और बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आज हमारे लिए सेलिब्रेशन का भी मौका है। ईद की खुशियां भी दुबाला हो चुकी है, और वो है जनाब पाकिस्तान में ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम ने अपने होम ग्राउंड पर जीत हासिल की है, बल्कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को भी जो है वो इंश्योर कर दिया है। तो इसी हवाले से यहाँ पर आज मेन खबर लगाई गई है। पूरे मुल्क में जश्न का समा है, मिठाइयां तकसीम की जा रही है, ढोल की ताप पर भंगड़े किए गए हैं, लोगों ने बहुत ही जबरदस्त और पुरतपाक तरीके से जो है वो इस्तकबाल किया है वर्ल्ड 11 का। और कल हम देख रहे थे कि जिस तरह से वो स्टेडियम में उन्होंने एंट्री की है, रिक्शों के ऊपर बैठकर बड़े ही रवायती अंदाज में जो है वो उनको पूरे स्टेडियम का राउंड लगवाया गया। और उसी हवाले से हमने देखा कि ना सिर्फ एक्सप्रेस में बल्कि डॉन के अंदर भी जो है वो एक बहुत बड़ी पिक्चर लगाई गई है, जिसमें ये तमाम खिलाड़ी जो है, और बीच में बल्कि मैंने देखा कि कल एक रिक्शा खराब हो गया था, जिसके बाद एक वर्ल्ड 11 से ही खिलाड़ी नीचे उतरे और उन्होंने धक्का लगाया है बाकायदा तौर पर, और फिर वो रिक्शे चले। तो बड़ी जबरदस्ती एक हमने देखी कि एंट्रेंस हुई है, और माशाल्लाह से पाकिस्तानी टीम ने कल जीत भी हासिल की है। तो इस सब पर हम पूरी कौम को मुबारकबाद। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त जीत थी और बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया था तमाम ही प्लेयर्स का। इवन जो प्लेयर्स थे वो इतने ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे थे कि तमाम प्लेयर्स जब क्राउड बहुत ज्यादा क्लैपिंग कर रहा था, उनको वेलकम कर रहा था उस टाइम पर, तो प्लेयर्स भी उसी तरीके से उनके वेलकम करने का जवाब दे रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तो दोनों तरफ से जोश और जज्बा देखने को मिला, और इंटरनेशनल प्लेयर्स का यहाँ पर आना एक एक का कह के, मतलब क्राउड में नारे लग रहे थे कि शुक्रिया वर्ल्ड 11। तो हम भी कहना चाहेंगे कि शुक्रिया वर्ल्ड 11, आप पाकिस्तान आए और हमारे मुल्क की रौनक और शान आपने आकर बढ़ाई, और डेफिनेटली इसी तरीके का जो है जोश और जज्बा आज के मैच में भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। और दूसरी जो खबर है वो मैं शेयर करूंगी वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के हवाले से, कि तुर्क सदर और तुर्क वजीर आजम से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जो है उमूर पर मामला जेर बहस आए हैं। तो उनका जो दौरा था तुर्की का वो डेफिनेटली अब खत्म हो चुका है, और वो फिर अफगानिस्तान के मसले पर भी उनकी बात हुई, तो इस लिहाज से ये भी खबर अखबारों का हिस्सा है। बिल्कुल जनाब, अच्छा, एक्सप्रेस में ही कुछ मजीद खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ छोटी छोटी स्टोरीज जो शेयर करना बड़ा जरूरी भी है। अच्छा, आज एक तो इस केस की समाअत हो रही है वजीर आजम वाले केस की, पनामा केस के हवाले से नजरसानी जो हो रही है। दूसरी जो आज समाअत हो रही है वो है सुप्रीम कोर्ट निहाल हाशमी के खिलाफ जो तौहीन अदालत की समाअत है, वो भी आज होने जा रही है। इसके अलावा एक और अहम खबर जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे वो है मॉडल टाउन के हवाले से, और आपको बताएं कि मॉडल टाउन की सानह मॉडल टाउन की रिपोर्ट जो है वो सामने लाने का भी फैसला कर लिया गया है। इसके ऊपर भी बड़ा इंतजार किया गया है, और अब हम देख रहे हैं कि बिल आखिर इसकी रिपोर्ट भी जो है वो मंजर आम पर आ जाएगी, जिसके ताहरुल कादरी काफी देर से कोशिशें कर रहे थे, धरने दिए उन्होंने, बहुत काविशें की, और उसके बाद अब ये खबर जो है वो सामने आ रही है। चलिए जी, डेफिनेटली अगर सानिया मॉडल टाउन के हवाले से उसकी जो रिपोर्ट सामने आ जाती है तो ये बड़ी डेवलपमेंट होगी, और इंतहाई इसको अप्रिसिएशन मिलेगी इस इकदाम को कि जी इतने दिनों से वो मुतालबा कर रहे हैं, धरने भी दे चुके हैं, बहुत दफ़ा उन्होंने सियासी जोड़तोड़ भी किया है, लेकिन रिपोर्ट का मसला हल नहीं हो रहा। और अगर ऐसी खबर है तो बड़ा अच्छी खबर है। और अगर अमेरिका के हवाले से बात की जाए तो डेफिनेटली रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम पर तशवीश का इजहार किया अमेरिका ने, और साथ साथ एक और अच्छी खबर आपको देती हूँ एप्पल के आईफोन के हवाले से है कि एप्पल ने आईफोन
10 अब मुतारिफ करा दिया है और नए फोन की जो लॉन्चिंग तकरीब थी ये कैलिफोर्निया में मुनक्किद की गई है। और एप्पल के जितने भी लोग बड़े फैन हैं खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत जो है वो $299 रखी गई है। और इस फोन की खास बात यह है, इसकी जो स्पेसिफिक थिंग है वो ये है कि ये चेहरे भी शनाख्त करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल, और इस चार्जिंग भी है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जो लोग आईफोन के फैन है उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। और इसको आईफोन X के नाम से भी आप जो है जान सकते हैं, आईफोन 10। तो ये तो एक आईफोन फैंस के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, कुछ और खबरें भी जो है वो यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसमें अफगान सफीर का एक बयान जो है वो काफी अहम है। और उनका कहना है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हम भारत से किसी किस्म का कोई गठजोड़ जो है वो नहीं रखेंगे। एक ये खबर थी। उसके अलावा दूसरी खबर जो अमेरिका के हवाले से है कि अमेरिका ने भी बिलआखिर रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले मजालिम का नोटिस ले लिया है और कहा गया है उनकी जानिब से कि इन मजालिम को फौरी तौर पर बंद किया जाए। तो ये तो थी जनाब आज के अखबार की खबरें। हमने जाना के अखबारों में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अब रुख करेंगे हम मुख्तलिफ शहरों का। सबसे पहले बात करेंगे हम इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद में आज कौन से सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होने जा रही हैं, इस हवाले से तफसीलात जानने थे हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। जी राना तारिक, अपडेट कीजिए। राना तारिक, आपको आवाज आ रही है? राना तारिक, ठीक है, राना तारिक से हमारा राबता जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो हम चलते हैं हुमा भट्ट के पास जो कि डेफिनेटली लाहौर में मौजूद होती हैं, और उनसे पूछते हैं कि कल का दिन कैसा गुजरा, कितना जोश, कितना जज्बा। गुड मॉर्निंग आज हुमा भट्ट। और कल का जोश और वलवला तो मैं बयान भी नहीं कर सकती अल्फाज में, क्योंकि जो नौजवान थे और जो बच्चे बूढ़े सब के सब इस वक्त देखना चाह रहे थे कि कजाफी स्टेडियम में पहुंचे और मैच देखें। और उसमें ये नहीं था कि जीतेगा कौन, उसमें सिर्फ ये था कि हम लोगों ने क्रिकेट देखनी है। तो क्रिकेट देखने के लिए सब के सब वहाँ पर पहुंचे और खूब हल्ला गुल्ला हुआ, ना सिर्फ कजाफी स्टेडियम में बल्कि घरों में भी यही सूरत हाल थी। घरों में भी खूब पार्टीज भी की गई थी तो आज का दिन भी वैसे ही रहेगा आज भी, क्योंकि आज 13 सितंबर सेकंड T20 है, तो सेकंड डे भी वही सूरत हाल है। इंतजाम भी मुकम्मल किए गए हैं उसके ऊपर, सब ने भी लोग वहां पर पहुंचे कजाफी स्टेडियम में, सब ने यकीनन PCB का भी शुक्रिया अदा किया, और इसके साथ साथ पूरी पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट जो है उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ है। और ना सिर्फ कजाफी स्टेडियम में बल्कि उसके बाहर भी जो अरेंजमेंट थी वो अच्छी रही थी, क्योंकि लोगों को जाने आने में कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है, शटल बस सर्विस जो है उसकी वजह से थोड़ी दूर जाना और फिर पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी में बैठना, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हुई। लेकिन इस तमाम प्रॉब्लम को कत नजर जो कजाफी स्टेडियम में मैच देखने का सिलसिला था वो बहुत ही एंजॉय किया सबने, और आज का दिन भी इसी तरह रहेगा। और वो लोग जिन्होंने 15 सितंबर के लिए टिकट लेने थे तो उनके लिए ये बता दिया है कि आज का दिन लास्ट है, 15 सितंबर का जो मैच है उसके लिए आज टिकट खरीद लें, क्योंकि उसके बाद आपको टिकट नहीं मिले। अच्छा, मैं एक और चीज मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जहाँ पर पाकिस्तानी शायकी ने क्रिकेट मैदान में वहाँ पर मौजूद थे, क्राउड था वहाँ पर, कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी शिरकत हुई है, तो कितनी तादाद में लगभग ओवरसीज पाकिस्तानी आए हैं मैच देखने के लिए? जी बिल्कुल, जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो जितने भी थे उन जितनों को टिकट मिल सके यकीनन वही आ सके होंगे, टिकट की जो अवेलेबिलिटी है वो भी यकीनन महदूद थी, तो इस हवाले से एक उनका उनके लिए भी बनाया गया था, एक बॉक्स था जहां पर वो हमें दिखाई भी दे रहे थे और वहां पर हमें वो जो अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, उन्होंने भी बहुत इंजॉय किया। और उनका भी यही कहना था कि इस तरह के मैचेस जो है वो अगर पाकिस्तान में किए जाएंगे तो पाकिस्तान में भी जो क्रिकेट की थाली है उसमें और भी ज्यादा मजा आएगा, और बाकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो भी बहाल हो जाएगी और लोगों के सामने भी ये अच्छा इमेज जाएगा। चले जनाब, आपको भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे, लाहौर में आप मौजूद हैं, डेफिनेटली इस मैच को कवर भी कर रही हूँ, आपको मजा भी आ रहा होगा, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लाहौर में इस वक्त ओवरऑल सिक्योरिटी भी जो है वो काफी हाई अलर्ट रखी गई है, काफी जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। एनीवे, शो में मजीद भी कुछ बातचीत की जाएगी, लेकिन यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब, मुख्तलिफ शहरों का हम रुक कर रहे थे, और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जो है राना तारिक, उनसे जान लेते हैं कि आज वहाँ पर कौन कौन सी हम समातें होने जा रहे हैं, कौन कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियाँ हो रही हैं। जी राना तारिक, आप तक आवाज़ पहुँच रही है हमारी? अब राना तारिक, आप हमें सुन पा रहे हैं? राना तारिक तक आई थिंक आवाज नहीं जा रही है, तो हम अखबारात में आज कौन से मौजूद आते हैं इस हवाले से बात कर लेते हैं, जिस पर नजर डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? ठीक ठाक?
नवीद साहब, डेफिनेटली आज न्यूज़ ने जिस तरीके से कल वर्ल्ड 11 के हवाले से रिपोर्टिंग की है, अपने एंकर को भी भेजा, इमरान सुल्तान वहाँ गए, हमारे तमाम नुमाइंदेगान ने गाहे बगाहे तमाम नाज़रीन को अपडेट किया और जितने भी आज न्यूज़ के व्यूवर हैं उनका बड़ा अच्छा फीडबैक रहा कि आज न्यूज़ ने लम्हा ब लम्हा आगाह किया। वहीं कल एक टॉक शो में, राना मुबशिर साहब के टॉक शो में हमने देखा कि दो वज़ीरों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा तल्ख कलामी हुई जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, लोग उसके बारे में बड़ी बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। जी सभा, एक बड़ा ये हम देख रहे थे कि राना मुबशिर साहब के शो में ये रांझा साहब आए हुए थे, मोहसिन रांझा और फवाद चौधरी साहब, अच्छी भली डिस्कशन जारी थी इनके बारे में। राणा साहब ने सवाल किया तो इतनी देर में फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब और ये जो नून लीग शरीफ फैमिली है बाहर जाने के काबिल नहीं है, तो अब हीथरो एयरपोर्ट से ही बाहर नहीं निकलेंगे, लोग निकलेंगे जी अगर बाहर निकलेंगे तो लोग इन्हें गंदे टमाटर मारेंगे। जिस पर मोहसिन राजा ने कहा कि आप इस तरह के लैंग्वेज से जाहिर हो रहा है कि अब आपने आप पर पीटीआई का रंग चढ़ गया। उसके बाद दोनों लीडर्स में जो आपस में बहुत तख्त जुमनों का ज़रा तबादला हुआ और फिर नौबत जो है वो गालम गलोच तक जा रही है। ये एक बहुत खतरनाक बात है क्योंकि मेरी बात भी हुई राणा बशीर साहब से, उन्होंने कहा कि मैंने जब इन लोगों को लाइनअप किया तो मैंने कहा भी था कि सर डिसेंसी को रखिएगा, हाँ, नजर सामने और आप एक दूसरे की देखिए, आप पॉलिटिक्स, आप दोनों का ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, आप एक दो बड़ी जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो हमारी आइडियल्स होते हैं। अब ये कौम के जो है ये कौम इन्हीं को फॉलो करेगी। आप अगर एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर कौम के सामने आप क्या चेहरा पेश कर रहे हैं, ये जो obnoxious behavior है, जो indecent language है, इसका जो है ना ये दोनों ने इस्तेमाल किया, तो फिर talk shows के थ्रू तो आप अपनी बात पहुंचा ही नहीं सकते ना, फिर तो वो जलसे और जुलूस ही करने पड़ेंगे क्योंकि लड़ते रहेंगे तो फिर टॉक शोज में तो फिर बात ही मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो मेरे ख्याल में समझ जाना चाहिए 18 करीब है, तहम्मुल से आप अपना मौकफ दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज हम यहाँ पर नफीस साहब देख रहे थे कि फवाद चौधरी के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, पीटीआई का रंग जो है वो कुछ ज्यादा ही फैलता चला जा रहा है और अब हम देख रहे हैं कि बाकी जो पहले थोड़ी बहुत तमीज बाकी रह गई थी और आप बात करते हुए पहले सोच लेते थे, वो अब हम देख रहे हैं कि बहुत खुल्लम खुला हो रहा है। इवन गाली गलौज टॉक शोज में भी शुरू हो चुकी है, पहले मीडिया टॉक्स में एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जाता था। अभी पिछले दिन ही हम यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें बता रहे थे कि बाहर ममालिक में जब कभी टॉक शोज हो रहे होते हैं तो वहाँ पर हाथापाई तक आ जाते हैं, तो और हम बड़े फख्र से बता रहे थे कि जी हमारे जो जर्नलिज्म के एथिक्स है वो इतने हैं, इस काबिल हैं कि यहाँ पर इस तरह के वाकयात बहुत कम होते हैं, लेकिन कल इस तरह का वाकया सामने आया तो मेरे ख्याल बड़े अफसोस की बात है ये। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो आज किस हवाले से है? जी हाँ, ये नो फायर सेफ्टी एक एडिटोरियल है डॉन का। असल मैंने राणा साहब से भी कहा कि अगर अच्छा किया कि आपने इन दोनों को स्टूडियो में नहीं बुलाया था वरना आपको एक अच्छी खबर मिलती। ये नो सेफ्टी, नो फायर सेफ्टी, हमने देखा एक बड़ा नाक हादसा हुआ संडे के रोज और वो भी इस्लामाबाद में रेड जोन का इलाका, अवामी मरकज जहाँ जिसकी इमारत में आग लगी, 5 मंजिला इमारत में सुबह 8 बजे आग लगी और अलमिया ये है कि उस इमारत को की आग को जो है वो 7 घंटे 8 घंटे के बाद तक नहीं जाके बुझाया गया और उसमें 3 इंसानी जानें भी ज़ाया हो गई। जिस तरीके से उसकी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और जो लापरवाही कोताही, क्योंकि ये भी बाद में जो इब्तदाई तहकीकती रिपोर्ट, उसके बाद तहकीकती रिपोर्ट सामने आई कि CDA से भी जो उसका सर्टिफिकेट, जो कम्प्लीशन सर्टिफिकेट था वो उस इमारत के लिए नहीं था और ऐसी मुतादिद इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और बिल्डिंग्स हैं जहाँ से इस तरह की सर्टिफिकेट नहीं है। वहाँ पर हमने ये भी देखा कि फायर अलार्म सिस्टम जो था और वो जो है वो जायदुल मयाद था। रेस्क्यू के ऑपरेशन में आपने देखा होगा, हमने विजुअल चलाई, बस ऐसी थी जो हम ना भी चला सके क्योंकि उसमें देखा कि चादरें लेकर उन्होंने दो नौजवान कूदे, उन्हें चादरों के जरिए बचाने की कोशिश की। हमारे पास स्नॉर्कल्स नहीं है, हमारे पास ऐसे सामान नहीं है कि हम 4th मंजिल से किसी को रेस्क्यू कर सकें क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम था। दो नौजवान खिड़की से देख रहे थे, आग लग रही थी, धुआं फैल रहा था, उनको बचाया जा सकता था अगर आपके पास सामान था होता, लेकिन नाहली ये थी या कोताही ये थी या आपकी प्रिपरेशन नहीं थी कि ना तो आपने जाने बचा सके और ना वो उस बिल्डिंग बचा सके जिसमें तमाम का तमाम सामान और अहम दस्तावेजात जलकर खाकसर हो गई। दूसरा ये कि फायर ब्रिगेड के पूरे एसोसिएशन के अंदर जितने भी इनका स्टाफ है वो जानों पे खेल के जाते हैं लोगों को बचाने के लिए, लेकिन आप उनको जो है वो सामान ही प्रोवाइड नहीं करते। स्नॉर्कल का तो ये इशू है कि हम हमेशा ही ये खबर आती है कि जी स्नॉर्कल नहीं थी या वक्त पे नहीं पहुंच सकी थी या वो किसी और जगह पे थी तो आग नहीं बुझा सके। जब आपके शहर को आपने प्लान किया है, बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, तो डेफिनेट
डेफिनेटली आपको उसके हिसाब से तमाम हिफाजती इकदाम भी करने चाहिए कि अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो उसके ऊपर आप देखें। अभी संडे के दिन ये वाकया हुआ, पीर के रोजन में बल्दिया फैक्ट्री फायर की फिफ्थ एनिवर्सरी मनाया, तो हमने सबक नहीं सीखा, बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। मैं बल्कि कह भी रही थी अपने प्रोड्यूसर से भी, मैं बात कर रही थी कि इस इशू को भी हम अपने शो में जरूर उठाएंगे कि क्या वजह है। आए रोज कराची के हवाले से तो हम ये खबरें देते ही रहते हैं कि आज यहाँ पर आग लग गई, आज इस फैक्ट्री में आग लग गई, अब इस्लामाबाद में भी इस तरह का वाकया पेश आया है। तो इन सब वाकयात की रोकथाम के लिए हमारा अमला कितना एक्टिव है, इस सब पर भी बड़ा नजर डालने की मेरे ख्याल है। फायर सेफ्टी कोड आपको लाजमी इन्फोर्स, आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे और खुद बाकायदा सर्वे करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद है, जो आपके इन तमाम कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हम तो ईजी जो है ना, ईजी लोड जो सिस्टम है, हमारे यहाँ ट्रेजेडी होती है, सब खड़े हो जाते हैं, उसे कंडेम करते हैं, उसके बाद फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। ठीक है, हमने फायर के हवाले से बात की और वर्ल्ड इलेवन के हवाले से भी हमने कुछ बात कर ली थी। पनामा केस की हेयरिंग्स चल रही हैं, एक दो बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट हेयरिंग्स चल रही हैं, उसके बारे में शॉर्टली बताएं कि क्या कुछ एडिटोरियल में है, क्या कुछ आपका। देखिए, पनामा केस की तो आज हेयरिंग हो रही है। हमने आपने खबरों में ये पढ़ा था कि पांच रुकनी बेंच जो है वो उनकी नून लीग की रिक्वेस्ट पर जो है बना दी गई है और वो समाप्त करेगा, रिव्यू पिटीशन की बात की। उन्होंने उनको ये एतराज था कि भाई तीन रुकनी बेंच जो जो दो जजेस शामिल थे उन्होंने रिपोर्ट देख के बगैर जो है उन्हें शामिल कर लिया गया, उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया। अब इसके हवाले से जो है नजरसानी समाप्त हो रही है। पहले तो ये देखा जाएगा कि क्या ये काबिले समाअत भी है रिव्यू पिटीशन के, नहीं, उसके बाद इस पर काम होगा और फिर फैसला आ जाएगा। लेकिन हवाले से इमरान खान की जो है ना अहली का केस भी जो है वो बड़ा गर्म है, सरगर्म है, गर्म है, न्यूज में है। उसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के पास जो दावे कर रहे थे वो लोग, उन्होंने हमें गिफ्ट जो दिया है जमायमा ने और हमने तमाम अपनी ट्रेल मनी ट्रेल दे दिया है, वो भी देने में नाकाम रहे हैं। उसके हवाले से भी जजेस ने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं जो इमरान खान को देना है। ये जो प्रेजेंट सेट हुआ है जो नवाज शरीफ साहब की न्यायालय का, ये जो है ये बहुत से उनको लेके डूब सकता है। मेरा ये जो है अच्छी बात है कि एक आप देख रहे हैं कि इंसाफ का इंसाफ होता आपको एटलीस्ट नजर तो आ रहा है, फैसले इस तरह के आ रहे हैं जिसमें वाकई में सियासतदानों की भी पकड़ हो सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा नफीस नईम साहब, आप हमारे साथ थे और एक और खबर रह गई हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग प्याजों के हवाले से, टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो हम इसको जरूर कल डिस्कस करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे और हमने इदारियों में क्या कुछ था, आज कौन कौन से मौजूद जेर बहस थे, इन सब पर बातचीत की है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जैसे कि हमने कहा था क्रिकेट के हवाले से, तो मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें पाकिस्तान की फतह के साथ बहाल हो गई हैं। पहली T20 में वर्ल्ड 11 के खिलाफ पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 20 रन से शिकस्त देकर तीन मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। 86 रन की इनिंग्स पर बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। शाकिर ने क्रिकेट ने अमन माहौल में मैच का इनेकाद किया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुश आइन करार दिया है। वर्ल्ड 11 और कौमी टीम के दरमियान दूसरा मैच आज खेला जाएगा जिसके लिए हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और दुआ करते हैं कि आज भी पाकिस्तान जीत। हो रही है तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे से इस वक्त ऑडियो लिंक पर मौजूद है याह्या हुसैनी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। याह्या, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके ख्याल में क्या लगता है कि कल टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी? वैसे तो मैच हम लोगों ने जीत लिया है लेकिन बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के शोभों में आपको कहां कमी नजर है? सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत सलाम, और जहां तक आप मैच के हवाले से बात कर रही हैं तो डेफिनेटली एक तरफ तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की बात हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तमाम सीरीज को होस्ट किया है, जो अपने तौर पर तैयारियां थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की, सिक्योरिटी इदारों ने जो करना था उन्होंने वो किया, लेकिन खेल के मैदान में खिलाड़ियों से जो आपको उम्मीद थी किस तरह की आपको परफॉर्मेंस देनी थी, तो अगर देखा जाए तो 197/5 आफ्टर 20 ओवर्स के 20 रन से पाकिस्तान टीम जीत गई तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम सामने वर्ल्ड 11 को देखें जिनके पास एक टीम तो थी लेकिन वो जो अपने मुल्क से खेलने की स्पिरिट होती है वो शायद नहीं थी, क्योंकि जब आप एक टीम के लिए खेलते हैं और एक अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें बड़ा फर्क होता है, तो शायद इस चीज की कमी नजर आई। लेकिन 20 रन से पाकिस्तान जीता है, थोड़े रन ज्यादा बनवा दिए पाकिस्तान ने बॉलिंग में, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कुछ 65 डेज के बाद हमारी टीम एक्शन में थी आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के, और थोड़ा सा खिलाड़ियों को जो है वो वार्म अप होने में टाइम लगा, लेकिन
पहले मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो इतनी खराब कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन उम्मीद है कि अगले आने वाले मैचों में और इससे अच्छी कारकर्दगी। ठीक है, अच्छा याया बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी थोड़ी सी स्पीड जो है वो कम नजर आई, थोड़ा वार्म अप होने में टाइम लगेगा अभी। ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या कौमी टीम को होम ग्राउंड होने का एडवांटेज था, और पिचेस के बारे में भी बताएगा कि कल की जो पिच थी वो बॉलिंग पिच थी या फिर बैटिंग पिच थी। देखें, एक ऐसी पिच जहां पर 38 चौके लगे, 13 छक्के लगे और 40 ओवर के खेल में 372 रन बने, तो इस पिच को तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पिच जो थी वो बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी। ऑब्वियस सी बात है कि जहां 372 रन बन जाए 40 ओवर के खेल में, तो इसका मतलब है कि बैटिंग के लिए वो पैराडाइज पिच थी। तो T20 क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में इसी तरह की पिचेस की जरूरत होती है, क्योंकि लोग जो टिकट लेकर आते हैं मैच में, स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो विकटें गिरता हुआ नहीं देखना चाहते, वो छक्के और चौके लगता हुआ देखना चाहते हैं, जिससे कल लाहौरी पूरी तरह महसूस हुए और अगले आने वाले दो मैचों में भी हमें इसी तरह की उम्मीद है कि क्रिकेट देखने को मिलेगी। ठीक, अच्छा यार ये बताएगा कि एक मैच तो हम लोग तुमने जीत लिया है, और अब आज होने वाले मैच के हवाले से भी अगर हम जीत जाते हैं तो फिर इसका मतलब तो यही होगा कि हमने सीरीज जीत ली है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कौमी टीम की आज के खेल को लेकर? देखिए, आज के खेल में मुझे लगता है कि वही 11 बरकरार रखेगी पाकिस्तान 11 जो कल के मैच में खेली थी, और कहीं सोहेल खान मुझे लग रहे थे कि शायद थोड़े से ऑफ कलर हैं, लेकिन उन्होंने 2 विकेट हासिल करके अपने एतमाद को एतबार को बहाल किया है, टीम मैनेजमेंट का एतबार हासिल किया, तो उसी 11 रुकनी टीम के साथ आपने जाना है। फिर अगर आप ओपनर्स की बात करें तो ठीक है, फखर जमान 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, अहमद शहजाद ने 39 रन स्कोर किए 32 बॉल्स पर, आपके पास कोई तीसरा ओपनर है नहीं, आप इन्हीं दो ओपनर के साथ जो है वो मैच खेलने के लिए जाएंगे। बाकी टीम में तब्दीली की अगर मैं बात करूं तो आज के मैच में पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह जीते तो फिर उम्मीद है कि बेंच पे जो लड़के बैठे हुए हैं उनको तीसरे मैच में शायद टीम मैनेजमेंट मौका दे। ठीक, अच्छा याया हम मिर्जा इकबाल बेग से भी बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान टीम के लिए ये सीरीज जीतना, क्योंकि डेफिनेटली सामने वर्ल्ड 11 है, तो आपको क्या लगा कि पाकिस्तान जीत गया, बहुत अच्छी बात है कल, लेकिन क्या कमी लगी आपको वर्ल्ड 11 की स्ट्रेटेजी में? कुछ उनको भी शायद टाइम लगेगा यहाँ की पिचेस को समझने में या स्ट्रेटेजी को समझने में? देखिए, T20 क्रिकेट में तो आपके पास ज्यादा सोचने का वक्त होता नहीं है, T20 क्रिकेट में अगर आप गलती करते हैं तो फिर वापसी की गुंजाइश आपके पास होती नहीं है। वनडे क्रिकेट में मैं कह सकता हूं कि 50 ओवर के क्रिकेट में भी कहते हैं कि जो उस दिन अच्छा खेलता है वो जीत जाता है, T20 क्रिकेट में तो बिल्कुल आपके पास मौका होता नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में आपके पास गलती करके वापस पलटने का मौका होता है, लेकिन आप वर्ल्ड 11 की बात कर रहे हैं तो इसमें जो नामी ग्रामी क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो आए हैं वर्ल्ड 11 से खेलने के लिए अच्छे में हैं, और उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान टीम अगर गलती करेगी अगले आने वाले मैच में वो तो संभल लेगा। बहुत शुक्रिया, यही आप हमें अपडेट कर रहे थे और जो जो आपकी तज्जिया है इसके हवाले से वो आपने उससे तो हमें आगाह किया, लेकिन हम पूरी उम्मीद के साथ आज का मैच देखेंगे, पाकिस्तानी टीम जो है वो आज का मैच भी अपने नाम करे, उसके बाद सीरीज भी जो है पाकिस्तान के नाम हो जाएगी, तो डेफिनेटली ICC में पाकिस्तान की रैंकिंग भी काफी हद तक बढ़ेगी। बिल्कुल, रैंकिंग भी अच्छी हो जाएगी, और भाई पाकिस्तानी टीम हमें भाई इस दफा जीत के दिखाएं आप दोबारा से। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और अब कुछ बात कर लेते हैं पनामा पेपर्स रिलीज होने के हवाले से, जिसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ बजाहिर छोटे नजर आने वाले मुकदमात का बड़ा फैसला आया और नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत अंजाम को पहुंचा। बड़े फैसले की नजरसानी दरख्वास्त पर बड़ा बेंच आज समाअत कर रहा है। आईनी माहरीन के मुताबिक इस किस्म के केसेस में फैसले तब्दील होने के बहुत कम इम्कानात होते हैं और तारीख में भी ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नैब ने नवाज शरीफ और उनके फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर तो कर दी, साब अदालत ने इन रेफरेंसेस पर एतराजात लगाकर उन्हें भी वापस कर दिया। अब इस मुश्किल में सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि इमरान खान भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाअहली केस इस वक्त सामने है, अदालत में जेर समात है, जिस पर जजेस के कमेंट से ये महसूस होता है कि इमरान खान ने भी अपने असासे जरूर छुपाए हैं और कबल कागजात नामजदगी जाहिर नहीं किए। केस का हतमी फैसला अदालत ही करेगी। इस वक्त इन तमाम कानूनी मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से एडवोकेट एहसानुद्दीन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, बहुत शुक्रिया सर आपने आज न्यूज के लिए वक्त निकाला। पनामा केस के हवाले से पूछना चाहूंगी कि इस केस में नजरसानी दरख्वास्तनी बेंच तश्कील ही क्यों जरूरी था देना, और क्या अगर 3 रुकनी बेंच समाप्त करता तो कानूनी तकाजे पूरे होते? कानून जो है
वही बेंच जो कि फैसला सादर करता है वही बेंच फिर उसको सुनता है। अब अगर तीन का बेंच होता है तो फिर फैसला तो पांच जजों के दस्तखत से जारी हुआ था, तो फिर वो किस चीज को नजरसानी करते? तीन जज तो फिर अपना पहले वाला फैसला जो है, और ये आज एक आर्गुमेंट भी था कि वो उस फैसले में तो फिर कोई तब्दीली ना आती, तो इस तरह से फिर पांच रुकनी बेंच बनाया गया इस आर्गुमेंट होकर कि अगर तीन ही ने फैसला करना है तो तीन तो ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं। और फिर उनकी सबसे बड़ी प्ली ये थी जो कि दरखास्त दी गई नवाज शरीफ साहब के बेटों और उनके दामाद की तरफ से और जो है डार साहब की तरफ से, उसमें प्ली ये ली गई थी कि तीन जजों ने जो फैसला दिया था पांच रुकनी जो फैसला हुआ है वो जजेस सादर नहीं कर सकते बात का फैसला करने के लिए कि कौन सा बेंच पांच रुकनी जो है उसने क्योंकि फैसला दिया है, लिहाजा क्या वो फैसला कानून के मुताबिक है, तो उसको वो पांच रुकनी जज जो है वो पांच ही कह सकते हैं कि उनके पास अख्तियार थे या नहीं थे, यह भी वो पांच रुकनी अच्छा, बेंच कर अच्छा, तो ये बताइए क्या ये पांच रुकनी बेंच के पास अख्तियार होगा कि वो पनामा केस का जो ये फैसला आया है उसे तब्दील कर सके या वापस कर सके? लेकिन जी जब जिस वक्त हम रिव्यू में जाते हैं तो रिव्यू की बुनियादी जो शर्त होती है वो ये होती है कि कोई फैसले में ऐसा लीगल सुकम या कोई ऐसा एरर है या कोई ऐसी चीज है जो कि रिकॉर्ड पर इतना वाज़े है कि उसकी वजह से पूरा का पूरा फैसला तब्दील हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये रिव्यू है। रिव्यू के लिए जो अख्तियारात हैं वो देखें, पहले तो रिव्यू के लिए ऑर्डर 28 रूल 8 है, इसी का जो है सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, उसमें ये बात बड़ी वाज़े तौर पर लिखी हुई है कि रिव्यू वही जजेस सुनेंगे जिन्होंने के फैसला सादर किया है। नंबर वन रिव्यू के अख्तियारात जो है 188 और ऑर्डर 47 के CPC के तहत भी अदालतों को अख्तियारात हासिल है, लिहाजा उसमें जो बुनियादी शर्त होती है वो ये होती है कि रिकॉर्ड में कोई ऐसी चीज सामने आ जाए जो कि सामने नजर आए और कि नजर आए कि ये तो बहुत बड़ी लीगलिटी कमिट हो गई है। अब ये बात लानी जो है जिन वकला साहिबान ने ये नजरसानी की दरखास्त दायर की है वो सामने लाएंगे, उनका जो बुनियादी उजर ये है जो आज तक उनकी रिव्यू पिटीशन से नजर आ रहा है कि एक तो पांच जजेस को ये फैसला सुनाना नहीं चाहिए था। जी बिल्कुल, मरियम नवाज शरीफ भी तनकीद करती रहेंगी इस हवाले से। फैसला करें कि पांच रुकनी बेंच का ये फैसला इस लिहाज से दुरुस्त है कि नहीं है, इसको भी रिव्यू करेगा पांच रुकनी बेंच जिसकी तश्कील पा गई है। नंबर टू दूसरी बात इन्होंने ये साबित करनी है कि जनाब JIT की रिपोर्ट तो सिर्फ तीन जजेस के सामने पेश हुई है, उन्हें पांच जजेस के सामने तो पेश ही नहीं हुए है, लिहाजा JIT की रिपोर्ट पर अगर कोई इनसार करके कोई फाइंडिंग दी गई है तो वो कानून के मुताबिक नहीं है, लिहाजा उसको नजरसानी करना चाहिए। ये दो तीन इन्होंने कानून के मुताबिक नहीं है। अच्छा, पनामा केस की बात हो रही है तो नैब के रेफर भी कुछ बात करना चाहेंगे आपसे। एहतसाब अदालत जिसने नैब के तमाम रेफरेंस जो है वो अब वापस दे दिए हैं, तो अब इससे आगे नैब की रेफरेंस भेजने के लिए क्या करना होगा? वो जो अदालत ने पॉइंट आउट की है कि इनमें ये तकनीकी खामियां हैं और इसमें ये दस्तावेजात या ये जो है नकायस हैं, इनको रिमूव करके अदालत में भेजा जाए। अदालत सिर्फ वो इस बात को देखती है कि जो रेफरेंस उसके पास आया है कानून के मुताबिक तो वो दे, लेकिन जो एक रेफर दायर करने के लिए जो बुनियादी शरायत है क्या वो पूरी उतरती हैं? तो अदालत ने उनमें दो रेफरेंसेस में ये एक तकनीकी खामी देखी है और उन्होंने कहा है कि इन चीजों को करके फिर जो है नैब के अंदर ये रेफरेंस दायर किए जाए, तो लिहाजा ये अदालत तो कर सकती है इस बात को कि अगर वो प्रॉपरली इन अकॉर्डेंस विद लॉ या नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक नहीं है तो उनकी दुरुस्ती के लिए कह सकती है, क्योंकि
इसमें एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जनाब काबिले एहतराम इजाजन आसन साहब को बाकायदा तौर पर मुकर्रर किया गया है कि वो इस बात का जायजा ले, मॉनिटर करें और उसको तकनीकी है या बाकी जो है उसको मॉनिटर करें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अदालत कॉन्शियस है। सर एक एतराज तो जो हम है वो अखबार में भी उसको कंफर्म कर रही थी कि एक एतराज तो अब दूर करके उसको वापस भेज भी दिया गया है, लेकिन ये जानना चाहूंगी आपसे कि नैब की जो भेजे गए रेफरेंसेज हैं इनमें गलतियों का इनका तो वो एक्चुअल में क्या समझते हैं, आपको कोई ह्यूमन एरर है या फिर कोई टेक्निकल एरर हो सकता है? ये टेक्निकल एरर भी है, ह्यूमन एरर तो उसे नहीं कह सकते। इसमें कुछ दस्तावेजात के बारे में है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि दस्तावेजात के अलावा जो कि जेएलटी की रिपोर्ट है उसको सिर्फ कुछ मतलब है जो उनका हेड कर रहे थे उनको सिर्फ गवाह बनाया गया है। इस तरह की बाकी चीजें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं कि ये दुरुस्त करके जी बाकी तो चीजें भी पॉइंट आउट की हैं। जैसे दूसरी जानब हम देखते हैं कि इमरान खान की नाहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों के हवाले से भी समाअत का सिलसिला जारी है, तो इसमें आपको क्या लगता है, बड़े सख्त सवाल जवाब किए गए हैं इमरान खान से, उनकी नाहली के कितने फीसद चांस है? देखिए जी, इसमें फॉरेन फंडिंग जी का सबसे फैसला है और उसमें भी ये है कि जो फ्लैट इमरान खान ने लिए थे वहां पर वो जिसका क्लेम करते हैं क्या वो रकम उनकी जो वहाँ की आमदन थी या जो वो कहते हैं कि मैं बतौर खिलाड़ी इतना अरसा रहा हूँ और वहाँ पर ये सारा मैंने मुआवजा लिया है, तो उसको कंपैरिजन करना है अदालत ने कि ये जो पैसा वो बता रहे हैं वो है और या जो इधर बनी रात खरीदी गई है उसका फैसला जो उनकी वाइफ की जानब से वहां से भिजवाया गया है जिसके वो उन्होंने कुछ बैंक के दस्तावेजात और सबूत पेश किए गए हैं कि इसमें मुताबकत रखते हैं या नहीं रखते हैं। बाजारन जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब के हनीफ अब्बासी की तरफ से जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं उनमें ये बात पॉइंट आउट की जा रही है कि इनके जो रिसोर्सेज हैं और जो दी गई है जायदादें उनमें मुताबकत नहीं पाई जाती है और फॉरेन फंडिंग के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जहां इंडिविजुअल के अलावा कुछ लोगों ने ऐसी फॉरेन फंडिंग की है, मसलन कुछ ज्यूस के नाम लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ज्यूस के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई जो है वो पुरुमीद है कि निजी हमारे पास जितनी वेरिफिकेशन है वो हम अदालत में जमा करा देंगे और तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा। एडवोकेट एहसानुद्दीन शेख साहब हमसे इसके ऊपर कानूनी राय दे रहे थे अपनी और डेफिनेटली समातों का सिलसिला जो जारी है इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट। बिल्कुल सना, बहम समातें हो रही हैं और जैसे कि मैं एडिटोरियल्स में भी बात कर रही थी जब नफीसिन साहब आए थे कि इस वक्त पकड़ जो है वो सभी की होने जा रही है, तो लेट्स सी किस आएंगे तो क्या सामने होता है, क्या टर्नआउट होता है। आगे बढ़ते हैं जनाब और अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर और देखते हैं कि वहां पर आज क्या चल रहा है, कौन कौन सी वीडियोस वायरल हैं। हमने भी एक वीडियो देखी थी, बड़ी जबरदस्त ये वीडियो थी और ये वीडियो जो है उसको देख के खवातीन को बड़ी हिम्मत और हौसला मिलेगा। ऐसा क्या है इस वीडियो में, आइए आपको भी दिखाएं। हौसले से ज्यादा बेवकूफी सुंदर लग रही थी मुझे, क्योंकि इस तरह के वाकयात से अक्सर हादसा भी पेश आ जाते हैं और मैं तो रिसेंटली एक एक्सीडेंट से गुजरी हूँ तो मुझे बहुत खौफ लगता है स्पेशली इस तरह की किसी राइड से, तो बड़े केयरफुल होकर चलाना चाहिए। लेकिन अगर स्कूटीज यहाँ पर भी आ जाए ना तो आप ऐसे कर्तव्य जो है रोज आपको देखने को मिले। लड़कियों ने बाइक चलाना शुरू कर दी। गुड मॉर्निंग आज में यह वक्त ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग और अब बात करेंगे कराची के कहां मसले के हवाले से। पीने का साफ पानी दुनिया भर में वैसे तो नायाब होता जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन बात यह है कि पानी जो है वो साफ तो इस वक्त मिल नहीं रहा, उसकी अदम दस्तियाबी के बायस बच्चों की अमवात की शराह में भी जो है वो तेजी से इजाफा हो रहा है। कराची में खासतौर पर बात करें तो पीने के साफ पानी की कमी की सूरत हाल ये है कि 70% शहरियों को ये सहूलत मयसर ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची की 70% आबादी ऐसी है जिन्हें पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी दस्तियाब नहीं,
यहां तक कि कराची के सिविल अस्पताल में अस्पताल इंतजामिया और कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के हुक्काम पीने का साफ पानी फराहम करने में नाकाम हो गए हैं। गंदे पानी की फराहमी के बायस मरीजों और मेडिकल स्टाफ में पानी से फैलने वाली बीमारियों की वबा का खतरा है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जबकि अस्पताल के वाटर टैंकर की भी कई माह से सफाई नहीं हुई। हुक्काम के मुताबिक हालिया बारिश के बायस निकासी का पानी इन टैंकों में मिल गया है, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अदाद और शुमार के मुताबिक दुनिया भर में रोजाना हजार बच्चे डायरिया जैसी बीमारी हैं। अमवात की ये तादाद HIV और एड्स से हलाकतों से कई ज्यादा है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। दुनिया भर में रोजाना सैकड़ों बच्चे पीने के साफ पानी की अदम फरहमी के बायस मर जाते हैं। यकीनन इसमें कुछ तादाद के बच्चों की भी होगी। कराची में पानी की फरहमी के निजाम के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं डिप्टी MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो असद साहब, इट्स गुड टू हैव यू हियर बैक। और बात हम कराची के पानी के मसले कर रहे हैं, और ये मसला जो है तब भी हमने रेज किया था और अब भी हम दोबारा रेज कर रहे हैं, क्योंकि मसले का सोल्यूशन कोई नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कराची एक इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन है जहाँ पर पानी के लिए लोग इस वक्त अभी भी ऐसे मसले से दो चार हैं, जहाँ पर अगर पानी आ भी रहा है तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा और कुछ ऐसे एरियाज तो साफ नहीं आ रहा। वजूहात क्या है, क्या मसले हैं जिस वक्त वाटर बोर्ड को दरपेश है? सबसे पहले तो आप अपने ही मसाइल हमें बता दीजिए। आप ही के क्वेश्चन के अंदर से मुझे आंसर मिल गया। अच्छा, जैसे आपने फरमाया कि कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, कोई इसका एंड नजर, आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकती हैं कि लाइट ऑफ द टनल नज़र आपको नहीं आ रही है। मैं इस सिलसिले में आपको ये बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस मामले में अब बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, एज यू नो, जैसे कि मैंने आप पेपर्स में पढ़ चुकी हैं, और उसके ऊपर कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतब किया जो है हर ऑल्टरनेट सैटरडे को कम्बाइंड होता है, और उसके ऊपर हमसे जो है वो बासपुरस की जाती है, क्वेश्चन की जाती है। अब आया कि जी इसका सलूशन क्या है। सलूशन देखें, मैं इस बात को सबके दिल से एक्सेप्ट करता हूं कि इसके ऊपर ज़्यादा पहले माजी में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब की जो इस साल की जो ADB है उसके अंदर सिर्फ वाटर के सिलसिले में वाटर को प्योरीफाई करने के लिए ऑल ओवर द सिंध जो है इस वक्त जो ADB है, अगर आपके नंबर जाके चेक कर लें तो मैं अभी आपको नंबर भी उसका बता दूंगा कि उसका सीरियल नंबर क्या है, उसके अंदर तकरीबन जो है 5 बिलियन की एक खतीर रकम जो है वो मकसद की है कि इनिशियली 7.5 बिलियन, जिसमें सिर्फ अब आप सिर्फ क्योंकि आप क्या क्वेश्चन कराची से रिलेटेड है, कराची के लिए उन्होंने 3.5 बिलियन की एक खतीर रकम उन्होंने मकसद की है कि जी इससे आप फिल्टर प्लांट को जो है वो रिहेबिलिटेट करें। तो ये एक मैसेज ज़रूर आवाम को जाना चाहिए कि हम सो नहीं रहे हैं, या हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो जो है वो कोई प्लान नहीं कर रहा है या आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो इस सिलसिले में ये बताता चलूं कि ये मैंने जैसे अर्ज किया कि वेबसाइट पर भी जाके जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो ADB की साइट है उसके ऊपर जाके अगर आप देखेंगी तो जो मेगा प्रोजेक्ट साइट के ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है ये अमाउंट जो है वो मकसद किया हुआ है। अब आ गया कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का रोल। तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने कंसल्टेंट हायर करने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इसमें जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो टोटल वाटर कराची को सप्लाई वो बेस 50% जो है वो फिल्टर करता है और 100% इसकी क्लोरीनेशन करता है। सही, क्लोरीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो क्लोरीनेशन है वो 100% है। हमारे जो फिल्टर प्लांट्स हैं उनके जो रिजर्वायर हैं, अगर आप किसी वक्त भी उसको आके अपने तौर पे भी चेक करना चाहें, कोई भी टीम चेक करना चाहे उसको, तो वहाँ पे 2 PPM जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट होता है क्लोरीन का, वो वहाँ पे मुझको मुख्तलिफ लोगों ने चेक किया है, मुख्तलिफ एजेंसीज ने वहाँ पे चेक किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो क्लोरीन ट्रैवल करके जा रही है तो वो उसमें अगर किसी जगह पे लीकेज है तो उस वजह से वो क्लोरीन की मिकदार कम हो जाती है, जिसको अब टैप करने के लिए वर्ल्ड बैंक के तआवुन से, वर्ल्ड बैंक अब क्योंकि आ रहा है और वर्ल्ड बैंक नेक्स्ट मंथ है जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वाटर सेक्टर के अंदर, और उसके अंदर भी वो एक खतीर रकम जो है वो जो हमारी पुरानी और बोसीदा लाइनें हैं उनको सही करने के लिए। तो ये एक आपका जो क्वेश्चन था जो स्टार्ट ही आपने लिया और उसी में से मुझे आंसर भी मिल गया कि
अब कोई हो कुछ हो नहीं रहा है, हम मतलब एक होता है ना कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट बैठी हुई है, कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड बैठी हुई है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मैं आपको सल्ली से बता रहा हूँ। प्लानिंग तो पहले भी बहुत होती रही है, बात होती है एग्जीक्यूट आप उसको कब तक कर रहे हैं, क्योंकि ये मसला अभी का नहीं है। और आप जहाँ तक बात करें कि जी आप आके हमारी टीम इंस्पेक्शन भी करें, चाहे देख लें कि वहाँ पर क्लोरीन की मिकदार जो है वो प्रॉपर है, लेकिन सबूत जो है आपके अपने टैप से मिल जाता है जब आप पानी खोलते हो और पानी उसमें गंदा आ रहा होता है, क्या वजूहात आप समझते हैं? एक तो आपने बताया कि लीकेज हो रही है, उसके अलावा इस चीज को इंश्योर करना किसके, पानी जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो जगह पर साफ तरीके से पहुंचे भी? देखिए इसके अंदर ये तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है, ठीक है ना, क्योंकि ये वही एक अथॉरिटी है जो पानी सप्लाई करती है कराची को। जहां तक मैंने जैसे अर्ज किया आपसे कि हम तो अपनी क्लोरीन जो है उसकी आमजिश जो है या उसकी जो हम उसकी जो यूं समझे कि उसको जब हम डिप करते हैं उसके अंदर, उसके अंदर जो जो भी हम उसके अंदर मिलाने की मिलाते हैं वो तो हम अपनी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक आवाम का भी मामला आ जाता है हमें, जो कि मुझे कंप्लेंट नहीं करना चाहिए इसके अंदर, कि बहुत सी जगहों पे हमारे जो कनेक्शंस हैं वो इलीगल तरीके से लिए जा रहे हैं। उस इलीगल तरीके से लेने में ये होता है कि वो प्रॉपर तरीके से जब कनेक्शन नहीं होता है तो वहाँ से लीकेज होती है, क्योंकि उस सराउंडिंग में पानी है, वो पानी जो है वो अल्टीमेटली फिर उसके अंदर उस पाइपलाइन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से जिसको ये कहते हैं कंटेमिनेटेड की जो आपकी आपको कंप्लेंट्स मिलती हैं कि जी पानी कंटेमिनेट हो गया है, जो कंटेमिनेशन की जो शिकायत है वो इस वजह से होती है कि प्रॉपर तरीके से लोग कनेक्शन नहीं लेते हैं, अप्लाई करके कनेक्शन का मसला है या दीगर मसले आपने डिस्कस किए, लेकिन आम आवाम जो है ना सर उसको इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं समझ आती, वो हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे पास पानी साफ नहीं आ रहा है। एक बात तो ये कि डेफिनेटली आप कोशिश कर रहे हैं और आपने एडमिट किया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत बड़ी बात है, वरना हमारे यहाँ का ब्लेम गेम ट्रांसफर करते रहते हैं और कहते नहीं हमारी गलती नहीं है उसकी है, इस तरीके से जो है सिचुएशन होती है। पानी की फरहमी के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या रुकावटें हैं कराची में प्रॉपर तौर पर पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है? अगर एक इलाके में आप किसी को फ़ोन करके पूछे जी आप क्या आ रहा है तो कहते हैं हमारे यहाँ तो पानी नहीं आ रहा, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हैं इसको ब्रीफ की? आपका क्वेश्चन उसका आंसर ये है कि इस वक्त हम कराची को जो पानी सप्लाई कर रहे हैं, फिर वही मैं बात कहूँगा कि इसके अंदर फॉल्ट कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का भी है और मुख्तलिफ अदारों का भी है। इसके अंदर जो कराची की अंदर पानी इस वक्त हम सप्लाई कर रहे हैं, जो कराची की इसको रिक्वायरमेंट है वो 1100 मिलियन गैलन पर डे है, और हम कराची को जो पानी इस वक्त कमोबेश जो सप्लाई कर रहे हैं वो 550 मिलियन गैलन से, वैसे तो हमारी 600 तक चली जाती है वो हब की वजह से। अब ये है कि हब के अंदर क्योंकि थोड़ा सा पानी आ गया है बारिशों की वजह से, तो हब से जो है हम तकरीबन 65-70 एमजीडी इस वक्त ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन वो तकरीबन अगले 6-7 महीनों तक के लिए होगा। इस दौरान में अल्लाह करे कि दोबारा बारिश हो जाए और एक दफा हब डैम भर जाए तो 3 साल तक हम 100 MGD उसमें, मेरा ख्याल है अभी तक कराची को मियाजा भुगतता रहे जो भी पिछले दिन हुई है। मैं नहीं समझती कि इसके बाद एक और बारिश हो तो उसके बाद कोई सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है, क्योंकि हमारी सड़कों की भी हालत ऐसी नहीं है जो एक और बारिश बर्दाश्त कर। असद साहब ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि अभी पिछले दिनों एक हवा में ये बात गर्दिश कर रही थी कि सीवरेज लाइन का पानी भी जो है वो पानी में मिल रहा है, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिये मुख्तलिफ जगहों पे जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि कंटेमिनेशन की हमें शिकायत ज़रूर मिलती है, जैसे कंटेमिनेशन की शिकायत मिलती है तो हम उसको एड्रेस करते हैं, हमारा अमला उसको एड्रेस करता है अगर कहीं कंटेमिनेशन की हमें शिकायत मिलती है, तो कंटेमिनेशन की जैसी शिकायत मिलती है तो हम उसको एड्रेस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे कराची के अंदर किसी को पानी नहीं मिल रहा है। आखिर इतना बड़ा शहर है और दुनिया के बड़े शहरों में से एक ही शहर है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से लोगों को पानी ज़रूर मिल रहा है। इसके पानी मिलने के मसले की बात नहीं मैं कर रही, पानी मिलना तो अपनी जगह, जिनको मिल रहा है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि सीवरेज लाइन का पानी भी उसमें शामिल है, वही उसको कंटेमिनेशन, उसको कंटेमिनेशन कोई कहा जाता है उसको, आप मानते हैं इस बात? मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि जहाँ पे कंटेमिनेशन, जैसे क्यों मैंने अर्ज किया आपसे कि इसके अंदर फिर दोनों आंसर है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का भी इसमें फॉल्ट आ सकता है, लेकिन इसके अंदर वो फॉल्ट जैसे मैंने आपसे अर्ज किया वो भी आ सकता है कि जो इलीगल कनेक्शन लिए जा रहे हैं उन इलीगल कनेक्शन को प्रॉपर किया जाता है और रबर बांध के या दूसरे तरीकों से जो लिया जाता है उसके नजर जो आउटर पानी है वो उसमें मिल जाता है। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि आपके एक इलीगल कनेक्शन की वजह से दूसरे सफर करेंगे, तो काइंडली दूसरे सफर करेंगे। बहुत शुक्रिया असदुल्लाह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस बात करने के लिए आप यहाँ पर आए, तो डेफिनेटली पानी सप्लाई करना
मास्टर बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मान लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। गुड मॉर्निंग आज मैं यहाँ वक्त ब्रेक का कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग आज।